हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास फोर्थ EVS, जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सिक्स, हाउस देन एंड नाउ। ओके, हाउस तब और अब। पहले हाउस कैसे थे, अब हाउस कैसे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। हाउस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या था? इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, स्टोन क्ले, स्टोन मीन्स पत्थर, क्ले चिकनी मिट्टी, ब्रिक्स ईंट, यानी कि उसी की होती थी मिट्टी की बनी हुई, है ना, इस टाइप की ईंट नहीं थी जो अब चलती हैं, एंड वुड लकड़ी वर मेनली मुख्यतः यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन, निर्माण में यूज होती थी, मटेरियल सामग्री मतलब सामग्री के रूप में यूज होती थी। द हाउसेज हैड हायर सीलिंग, जो हाउस होते थे उनकी हायर सीलिंग, जो सीलिंग होती थी छत, वो बहुत ऊंची होती थी, मैनी विंडोज, बहुत सारी विंडो होती थी, खिड़की, एंड वेंटिलेटर्स, मतलब होते ना हवा लेने के झरोके से, तो वो वेंटिलेटर्स लगाए जाते थे टू लेट इन अ फ्रेश एयर, जिससे कि फ्रेश एयर आ सके। हायर सीलिंग, ऊंची छत होने से अलाउड द एयर टू सर्कुलेट द बेटर, जो एयर होती थी वो अच्छे से सर्कुलेट हो जाती थी अंदर, है ना। द जैसे कि सर्कुलेट होने का मतलब होता है जो आपकी एयर होती है हॉट एयर, तो ऊपर जो लगाए जाते हैं ना आपके पास एग्जस्ट फैन, उसके थ्रू हॉट एयर बाहर निकलती रहती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो बैठ जाती है रूम के अंदर, तो वो रूम के अंदर रह जाती है। ओके, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज वर ऑल्सो थिक, जो दीवारें होती थी घर की वो भी क्या होती थी, बहुत मोटी मोटी होती थी। ओके, पीपल लिव्ड विदाउट फैंस, लोग बिना पंखे के रहते थे, लिव्ड मींस रहते थे पीपल, लोग। ओके, फैंस और एयर कंडीशन, उस टाइम एयर कंडीशनर्स भी नहीं थे, जो एसी बोलते इसको आप। देयर वाज अ लार्ज कोर्टयार्ड, यहाँ पे बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ वेल इन कोर्टयार्ड, जो ज़्यादातर हाउसेज बहुत अच्छे आंगन रखते थे, कोर्टयार्ड। ओके, द किचन वाज एट अ डिस्टेंस टू प्रिवेंट द स्मोक रीचिंग द रूम, जो किचन होती थी वो थोड़ी डिस्टेंस पे होती थी, प्रिवेंट मतलब प्रिकॉशन लेने के लिए, प्रिवेंट द स्मोक रीचिंग, जिससे कि जो स्मोक होता धुआं वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, कहाँ तक, रूम तक। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं थी, सो पीपल यूज लैम्प, पीपल लैम्प यूज़ करते थे, जो केरोसिन डाल के और बोतल के अंदर ऊपर वो लगा लेते थे, उसको बोलते थे लैम्प्स, एंड लैंटर्न्स, लैंटर्न्स भी उसी टाइप का, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता था, केरोसिन उसमें भी यूज़ होता था। ओके, और उसके अंदर ग्लास लगा हुआ था शीशा। मॉडर्न पेंट्स वर नॉट इन्वेंटेड, सो वॉल वर वाइट वॉश्ड, जो मॉडर्न पेंट जो था, अभी जो पेंट चल रहा है वो इन्वेंट नहीं हुआ था, सर्च नहीं हुआ था, है ना, खोज नहीं होती उसकी। वॉल्स वर वाइट वॉश, जिससे कि वॉल्स को वाइट वॉश कराया जा सके। पीपल लिव्ड एज जॉइंट फैमिली, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली मतलब सारे दादा दादी नाना नानी, है ना, वो सॉरी दादा दादी चाचा चाची, है ना, भाई, सब इकट्ठे रहते थे इन दीज लार्ज हाउसेस, इन बड़े घरों में, है ना, बहुत भीड़भाड़ सी रहती थी। हाउसेज इन रूरल एरिया, जो हाउस होते थे रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी बात करी जा रही है अब। इन इंडिया मैनी पीपल स्टिल लिव इन विलेजेस और रूरल एरिया, लोग अभी तक गांव में और रूरल एरियाज में रहते हैं। विलेज पीपल बिल्ड कच्चा हाउस और हवेलीज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे कैन अफोर्ड, जो लोग होते थे वो कच्चा हाउस बनाते थे या फिर हवेली बनाते थे, जैसा कि उनके समर्थ होता था। ओके, कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? दीज हाउसेस हैव थेस्ड रूफ मेड ऑफ ड्राई ग्रास एंड लीव्स, ये घर थेस्ड मतलब होता है जो ऊपर पहले घास फूस के बना दिया जाता है ना, छप्पर जिसको बोलते हैं, अब अलग अलग एरियाज में अलग अलग वर्ड को यूज़ करा जाता है, रूफ्स, है ना, थेस्ड रूफ्स, जो घास फूस के छत होती थी वो बनाई जाती थी, मेड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास और लीव्स, पत्तियों से। द वॉल्स वर मेड ऑफ मड, जो दीवारें होती थी वो मिट्टी से बनाई जाती थी। द फ्लोर्स वर मेड ऑफ मड, जो फर्श होते थे नीचे फ्लोर, वो भी कैसे बनाए जाते, मिट्टी से बनाए जाते थे, एंड प्लास्टर्ड विथ काउ डंग,
और उस पर प्लास्टर कराया जाता था किससे, काउ डंग से, गाय के गोबर से, एज अ डिसइंफेक्टेंट, है ना, जिससे कि निसंक्रमित रहे, मतलब कोई रोग वोग ना हो। थिन वुडन फ्रेम्स और पतले, है ना, थिन पतले वुडन फ्रेम्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स एंड कवर्ड विद स्ट्रॉ, और उस पर क्या कराया जाता था, वुडन भी फिक्स करे जाते थे और कवर कराया जाता था स्ट्रॉ से, है ना, तिनके जो होते हैं स्ट्रॉ, ग्रास घास एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज, और पेड़ों की पत्तियों से। सो सच हाउसेज आर वीक हाउसेज, इस टाइप के हाउसेज कैसे होते थे, वीक होते थे, एज इट डज नॉट कॉस्ट मच सो बिल्ड देम, और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती थी इनको बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका हवेली। हवेली क्या होती हैं, सम पीपल इन विलेजेस, कुछ लोग गांव में बिल्ड बिग हाउसेस, बहुत बड़े हाउस बनाते थे, कॉल्ड हवेलीज, इनको हम हवेली बोलते थे। दे यूज़ बिल्डिंग मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, वो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते थे, जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, वुड लकड़ी, स्टोन चिप्स, है ना, एंड मड ब्रिक्स। दीज आर सिंगल स्टोरी, इस ये सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी मतलब कई सारी मंजिल, बहुमंजिला भी बनाए जाते थे और एक मंजिल भी। तो हाउसेस विद अ लार्ज कोर्टयार्ड, और इसमें बहुत बड़ा आंगन होता था, कॉल्ड द आंगन, इसको हम आंगन बोलते थे, है ना, बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था उसको हम आंगन बोलते हैं, हिंदी में आंगन बोलते हैं और कोर्टयार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। सेवरल रूम्स एंड किचन हाउसेस, कई सारे रूम और किचन हाउसेस। ओके, इन द ओल्डन डेज जमींदार और लैंडलॉर्ड यूज़ टू लिव इन हवेली, जो पहले दिनों में जो जमींदार लोग होते थे, है ना, वो किस में रहते थे, हवेलीज में रहते थे। तो आपको ये पेज नंबर 1 को अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।